श्री गुंदा में शमानिया बहन क्रांति माला जी, क्षमा कीजिए बहन कल्पना जी, आदरणीय भाभी क्रांति माला जी, बिल्कुल सुनिएगा श्री गुंदा में गाया फिल्म दुनिया वालों ने क्या क्या गाया फिल्म दुनिया वालों ने बहन जी को नहीं भाभी जी को सुनाओ सुनेगा जवाब भाभी जी को देना सुनना बहन जी को क्या बात है कहना क्या कि कागज कलम दवा लेकर किसान के लिए आज क्या बात है गुरु जी के सामने बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे हैं जब से तुझको देखा मैं सब कुछ भूल गई तो और क्या बात करूं मैं सब को भूल गई तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं तेरे नाम के शर्मा जी अरे की तरफ से हमारे माने शमाने बड़े भैया बस बेटा इतना ही वरना भाभी को बुरा लगे बस इतना बड़े भैया के शर्मा जी आपके माध्यम से 200 पद मुद्राएं भेंट है क्या बात है आजीवन आशीर्वाद की कामना है शमानिया भाभी जी एक पक्ष भारी हो गया क्या बात है बहुत बढ़िया शर्मा जी आराम से भारी हो गया शर्मा जी आराम से सुबह आपको घर भी जाना है कहना है कि जब से तुझको देखा मैं सब कुछ भूल गई हूँ तो और क्या बात करूँ मैं रब को भूल गई हूँ तेरे नाम के सिवा आज वो हमें हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं क्या हमारे परम सौभाग्य है ये मान लीजिए जी हाँ बड़ों की बड़ाई है जो हम जैसे बच्चों को सुन रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक सुंदर टुकड़ा मिला जब मिला तो कुछ दिखा गया क्या बात है शमानिया भाभी जी बहुत चर्चा का विषय है जब चर्चा का विषय है तो जो सुना और तो लिखा गया क्या एक सपना संजोए थे हमारे माननीय सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई जी सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी एक सपना संजोए आंखों में अपनी और आज वो समय आया तो पूरा हो गया
चाहते थे कि एक भारत एक संविधान, अखंड भारत एक संविधान। लेकिन अब जब समय वो आया पूरा हुआ तो कहना पड़ा, उस समय आया उसको लागू किया हमारे माननीय सम्मानीय मोदी जी ने। जब मोदी जी ने ये समय निर्धारित कर दिया, वो समय ला दिया, तो सारे सैनिक कहने लगे मोदी जी आप ऐसे काम करते जाइए, हम आपके साथ हैं। जब साथ हैं तो कहने लगे भारत के वीर जवान, किसी की आत्मा दिल को कभी दुखने नहीं दूंगा, बढ़ाए चार कदम अपने कभी रुकने नहीं दूंगा। मोदी जी आप अपने कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, बढ़ाए चार कदम अपने कभी रुकने नहीं दूंगा। मैं सैनिक हिंद की सीमा पर अपना सर कटा सकता हूँ, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। जब इतना सुना मोदी जी ने तो उस समय ला दिया तो कहना पड़ा, तरकस से अमित शाह के निकला है एक तीर, तरकस से अमित शाह के निकला है एक तीर, उस तीर ने बंधन से मुक्त कर दिया मुझे। Thank you.
उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मधु श्रीवास्तव जी को है। हम लोग जवाब लिखना भूल जाते हैं आपकी बातों। बहुत बढ़िया जवाब, बढ़िया सवाल और क्या? हमारी नंदरानी जी की तरफ से सुना है आपने। कुछ नहीं कहूंगी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। मेरी तमाम कमियां भी आपने बता दी है पहले चरण में, कि मेरे गीत ने घर नीको वरनी को ये सब लगा था। हालांकि आप सुनेंगे तो मेरे जवाब में भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन अब आप ना समझ पाए तो उसमें आपकी ना समझी है। अगर आपके में घर नीको वरनी को लगा था तो मेरे जवाब में भी समाया माया महामाया आज माया, इस तरह से शब्द मैंने पिरोए थे। और क्या? लेकिन अब आपने ध्यान नहीं दिया तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे? हमारे कछुआ का जवाब कौआ से बढ़िया दिया है। सही, एक पानी में रह रहा है, एक उड़ रहा है। और क्या उड़े? कौआ आकाश में रहता मगर। बढ़िया है, मेरे गीत में भी कुछ था नीलम जी। मेरा गीत का अक्षर से शुरू है और का पर ही बंद है। अपने गाने को तो आप बता रही, दूसरे का भी तो सुनिए। मेरा गीत कर से शुरू है। देखिए गीत कह रहा है कि कर ली शर्त है ऐसी भयंकर और कर से शरो का सेतु बना कर। कर से शुरू है, कर पे बंद है। ये कौन गाएगा? इसको कौन गाएगा? इसको हम ही गाएंगे और कौन गा सकता है? नटखट जी, नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा। सब बढ़िया है, बस बढ़िया। लेकिन कुछ नहीं कहूंगी, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और क्या? इशारा इसलिए कर दिया क्योंकि आपने इशारा किया। ये ना, अगर आप कमी ना बताती तो शायद हम भी ना टोकते आपको। ये बढ़िया जवाब दिया आपने। कौआ कौआ उड़ उड़। अरे अभी मेरी क्या बात, नेताजी आए। ये हमारा लोगों का परम सौभाग्य है ये कि लखनऊ से ऐसे ऐसे लोग जो लखनऊ में भी बहुत कमा पाते हैं। क्या आज इस कार्यक्रम में हमारे मोहित भैया को मैं खास तौर से नमन कर रही हूँ कि आप आए। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए आप बजाएं। हमारे सम्मानी श्री राम सिंह नेताजी, मोहित भैया हमारे और हमारे रवि भैया जी, सुचित्र भैया जी, राजीव भैया सब आए हैं। और आप लोग हर कार्यक्रम में जाकर बड़ी दूर दूर अपना धन तन मन सब खर्च करते हैं और कलाकारों का बड़ा सम्मान करते हैं लखनऊ में बुलाकर। तो ये मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, आप लोग इतना समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए नीलम जी, तमाम बातें ना करते हुए सीधे आपके जवाब की ओर चल रही हूँ।
जब से तुझको देखा मैं सब कुछ भूल गई हूँ, औरों की क्या बात करूँ मैं खुद को भूल गई हूँ। तेरे नाम के सिवा, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, नाम के सिवा कुछ धारा हट गई। एक व्हाट्सएप पर फेसबुक पर मैटर चलने लगा, सारे कलाकार उस कटिंग को लेकर कटपीस बनाने लगे। ये आपने भी वही किया है, वही दिया है। 70 से शुरू, 70 पे खत्म। खत्म जो कटिंग में चल रहा है वही आपने काटा है, वही काटा है। बस केवल एक लाइन बदली है कि लाइन आपकी कह रही कि अगर देर की तो खैर नहीं। खैर नहीं, हाँ वैसे मेरा किसी से बैर नहीं, और बैर अगर की तो खैर नहीं। मैं निवेदन कर रही हूँ, जवाब सुनिएगा सभी लोगों से। नीलम जी, पहले तो मैं उस पाकिस्तान से कह रही हूँ कि है पाकिस्तान अपनी मतान। और यहाँ से पीछे तक जितने लोग बैठे सुनिएगा, करियो क्षमा दया, छोड़ो भाषा बोलो औलादों की। कभी गांधी जी ने कहा था कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन मैं कह रही हूँ वैसा समय नहीं है। अब कोई एक चाटा मारे तो गाल मत बढ़ाइए, उसको हौंक के घुसा दीजिए, तब मामला बनता है, समझो। इसलिए मेरी पंक्ति सुनिए, उस पाकिस्तान के साथ भी वही करना चाहिए। क्या? क्योंकि क्षमा दया, छोड़ो भाषा बोलो औलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की, और भूल भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। नीलम जी मेरी दो लाइनें सुनिएगा, आपके कटपीस में तो केवल 370 तक आपकी नजर पहुंची है, कश्मीर तक आपकी नजर पहुंची, लेकिन मेरे जवाब में सुनिए मैं क्या कह रही हूं। जवाब पढ़े। अरे अभी अभी तो 70 सालों बाद हट गई 370 धारा, 70 सालों बाद हट गई 370 धारा, लेकिन अभी वहीं से नहीं। नीलम जी वो तो कश्मीर की बात है, कश्मीर तो अपना था, अपना है, अपना रहेगा। तो 70 सालों बाद हट गई 370 धारा, पर कुछ दिन ठहरो हो जाएगा पाकिस्तान हमारा। क्या बात है, धन्यवाद। अभी तो 370 ही है, थी उस दिन ठहरिए, 370 के बाद वो पाकिस्तान भी अपना होगा। कुछ दिन ठहरो हो जाएगा पाकिस्तान हमारा, क्योंकि के भारत के वीरों ने क्या बात है, और क्या के भारत के वीरों ने चुन चुन कर दुश्मनों को मारा, लेकिन ये किसकी बदौलत है के 56 इंच सीने का तो है कमाल ये सारा। धन्यवाद। 56 इंच सीने का कमाल है सारा, तो 56 इंच सीने का है कमाल ये सारा।
370 धारा के लिए के दिन काटे सबने गिन गिन है नाग पंचमी को आया वो शुभ दिन है नाग पंचमी का वो शुभ अवसर और अब की बार सावन का महीना भी इतना पवित्र आया कि तीन बड़े बड़े काम हो गए इसी सावन में तीनों संख्याओं को भी जोड़िए 22 तारीख 29 तारीख 5 22 तारीख मिला लीजिए पहले में चंद्रयान दूसरे में तीन तलाक तीसरे में 370 धारा हटी और 22 29 5 को भी जोड़ लीजिए तो निकलेगा 56 इंची सीना इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है ये सब है क्यों के दिन काटे सबने गिन गिन है नाग पंचमी को समझा शुभ दिन है तो कि मोदी है तो मुमकिन है यदि मोदी है